हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करें नई वीडियो मसल चैप्टर 20 क्लास 11th बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो मसल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती है, वो सब कुछ। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 8, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था दैट सीलिया एंड फ्लैजेला आर आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पढ़ा था चैप्टर 8 आई थिंक, उसमें आपको मिल जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है सीलिया और फ्लैजेला। दोबारा बता देता हूँ क्या होती हैं। फ्लैजेला थोड़े लंबे थ्रेड होते हैं और सीलिया आपकी किसी भी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं लाइक पैरापोडिया। फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोवा। अगर हम स्पर्म की बात करें तो ये टेल इधर से उधर हिलेगी और स्पर्म को चलाएगी, आगे बढ़ाएगी लिक्विड मीडियम में। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, और जो स्पंजेज आप पढ़ोगे उनके अंदर जो सारे का सारा जो मेंटेनेंस होती है वाटर सिस्टम की, वो ये करती हैं। लोकोमोशन प्रोटोजोन्स के अंदर, यूग्लिनास के अंदर। मसल इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मसल क्या है? मसल और कुछ नहीं, एक टिश्यू की ही टाइप है जो स्पेशलाइज है क्या करने के लिए, काम करने के लिए। अब लिखा है मीजोडर्मल इन ओरिजन। मीजोडर्मल इन ओरिजन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में तीन लेयर्स हैं। अगर आप अपने अगर आप अपने हाथ को देखोगे या अपने आपको अज्यूम करो, फील करो, आपकी जो गाल की स्किन है आप उसको एक्टोडर्म बोलो, ठीक है। आप जब अंदर पकड़ते हो अपने जीभ को या यूं लगा लो, आप अंदर की तरफ टच करते हो अपने माउथ के, तो वो आपकी एंडोडर्म है, ठीक है। अब जो आपकी थिकनेस है, आपके गाल की थिकनेस जो है, आप एक हाथ मुंह के अंदर रखो उंगली, मतलब एक अंगूठा बाहर रखे पकड़ोगे तो वो थिकनेस जो है, उस थिकनेस में जो चीज़ भरी हुई है, जो टिश्यू है, जो लेयर है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। ओके, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब क्या लिखा है, मसल्स आपकी मीजोडर्मल होती हैं, ठीक है। ना तो बिल्कुल सबसे अंदर होती है और ना बिल्कुल आपके स्किन पे बाहर की तरफ दिखाई देती है, जस्ट बीनीथ योर स्किन होती हैं। तो क्या हो जाएंगे आपकी, ये मीजोडर्मल इन ओरिजन। अब बात करते हैं आगे। 40-50% जो आपका बॉडी वेट है ना, वो ह्यूमन के अंदर लगभग मसल से बना होता है। और जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने मसल मास को बढ़ा के फैट परसेंटेज को कम करके अपना मस्कुलर वेट भी बढ़ा देते हैं। कई बार देखा होगा कुछ पतले पतले आदमी होते हैं लेकिन उनकी बॉडी में वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो उनकी मसल की वजह से होता है और उनकी बोन्स की जो डेंसिटी होती है उसकी वजह से। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है स्पेशल? मसल की। मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, एक्साइट कर सकती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी है, फैल सकती हैं, फ्लेक्स कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मसल की प्रॉपर्टी हैं। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर। अब कहाँ पे मसल प्रेजेंट होती हैं, कैसी वो दिखती हैं और उनका नेचर कैसा है रेगुलेट करने का, तो उनके बेसिस पे आपकी तीन टाइप की मसल्स हैं। आपकी हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल वर्ड जो ना, स्केलेटन से आपकी हड्डियों के ढांचे से, हर वो मसल जो उस हड्डियों के ढांचे को मूव करने में काम आएगी कौन सी हो जाएगी, वो स्केलेटल मसल। और जो विसरा जो आपके हैं, जो इंटरनल ऑर्गन हैं आपके सारे के सारे, आपके इंटेस्टाइन वगैरह है, किडनी के आसपास का एरिया है, लंग्स का एरिया है, उसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो आपकी रिब केज के आसपास विसरल मसल्स होती हैं। और तीसरी आपकी कार्डिक मसल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट के अंदर मिलेंगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। इनकी खास प्रॉपर्टी होती है ये कभी भी थकती नहीं है। जिस दिन आपका हार्ट पहली बार धड़कता है उससे लेके और लास्ट हार्ट बीट तक ये कभी भी अपने काम को नहीं रोकती। कुछ इंसानों के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं, उसको हार्ट ब्रेक या हार्ट फेलियर की तरह से आप जानते हो। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, आज मसल को पूरा करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि ख़त्म ही कर दें चैप्टर को, क्योंकि तीन ही टाइप थे, इंट्रोडक्शन, मसल एंड स्केलेटन। तो स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। देखो, क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, ये आपकी हड्डियों के साथ जुड़ी होगी काफ़ी क्लोजली। दे हैव अ स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस, ऐसे स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस होती है इनकी अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हैंस कॉल स्ट्रिप्टेड मसल, और इनको स्ट्रिप्टेड मसल भी बोलते हैं क्योंकि सीधी सीधी होती हैं। एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, आप सबको पता होगा आपका पूरा स्केलेटन आपके अंडर कंट्रोल, अपने हाथ पैर को आप हिला सकते हो। तो ये सारी सारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम में डायरेक्टली कंट्रोल होती हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड एक्शन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, आप खड़े हो, बैठे हो, टेढ़े झुके हो, जो आप कर रहे हो और आप जगह बदल रहे हो, सारे काम इनकी वजह से ही होते हैं। ये आपका एक सेगमेंट था। अब आपका सेकेंड पार्ट, विसरल मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी लाइक एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन, ये स्ट्रेट नहीं होती, ये स्मूद होती है दिखने में, इनको बोलते हैं स्मूद मसल्स या नॉन स्ट्रेट मसल्स भी इन्हीं को बोलते हैं।
देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। अब आप जब खाने को निगल लेते हो तो उसमें होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपकी बॉडी के अंदर जो और एक्टिविटी होती है बहुत सारी, आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इनवॉलेंट्री मसल्स। ये किसको असिस्ट करती हैं? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसा कि हमने बताया, या फिर गैमेट्स की बात करते हैं जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो सारे काम इन्हीं की वजह से होते हैं। अब है आपका आगे, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल। ये जो नीचे दिख रहा है ना, बड़ा खतरनाक और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। कार्डियक मसल्स, दीज आर मसल ऑफ हार्ट। मैनी कार्डिक मसल सेल असेंबल इन ए ब्रांच पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डिक मसल। देखो वो बाकी सीधी सीधी मसल थी ना, ये ब्रांच मसल होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पार्टीशन होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, लॉक होती हैं मसल, बहुत सारी मसल्स, ठीक है। दे आर लाइक ब्रांच्ड सिस्टम। ब्रांच मसल्स होती हैं पूरे के पूरे के, इनकी कंपोजिशन होती है जो क्या करती है, एक साथ काम करती है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डिक मसल्स आर स्ट्रेटेड, लंबी लंबी दिखाई देती है ये भी। दे आर इनवॉलेंट्री, इन पे हमारी कोई मर्जी नहीं चलती, क्योंकि अगर मर्जी चलती तो कोई बच्चा जिसको मरना होता वो रूट के क्या करता, अपने हार्ट को रोक देता और जल्दी ख़त्म हो जाता। नर्वस सिस्टम के अंदर काम नहीं करती ये, अपना खुद का काम करती है, इनको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं, जो अपने काम खुद करती हैं। अब है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात कर रही है, वो मसल। अब हम पढ़ेंगे मसल की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखते जाओ नीचे नीचे। लेट अस एग्जामिन ए स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन। पूरा हम पढ़ते हैं कैसे वो कंट्रैक्ट करेगी, कैसे रिलैक्स करेगी। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। देखो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं एक मसल की, ठीक है, एक मसल है, लंबी होती हैं मसल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ मसल बंडल, इनके अंदर बंडल होते हैं मसल्स के, ओके। बहुत सारे मसल बंडल हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ये लंबे लंबे मसल बंडल हो जाएंगे पर्टिकुलर, ठीक है। ये मसल बंडल हैं, ओके, एक दो थ्री एंड मोर, ठीक है। ये पूरी एक पाउच है जिसको बोलते हैं आपकी मसल। अब क्या लिखा है कि ये बहुत सारे जो मसल बंडल हैं, वन टू थ्री, ये सब एक दिख रहा ना आपको ऑरेंज कलर का, एक पाउच के अंदर पैक हैं, इस कवरिंग के अंदर पैक हैं। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, इसको फेसिकल बोलते हैं, ठीक है, फेसिया बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इसको हम फेसिया बोलते हैं, इस कवरिंग को हम फेसिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर आपके मसल बंडल हैं, इस एक एक को बोलते हैं फेसिकल्स। ईच, देखो ये हो गया आपके एक मसल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक मसल बंडल के बारे में। तो यहाँ पे इस बुक में ये डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है कि हमारा टॉपिक बदल चुका है, तो हम लगे थे बड़ी चीज़ से, अब उसके अंदर बड़ी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया फैसिया के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फेसिकल्स के बारे में। तो एक फेसिकल को उठा लेते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। तो क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मसल फाइबर, जो ये आपको पिंक पिंक कलर के दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे लंबे लंबे मसल फाइबर हैं, ठीक है। और ये मसल फाइबर के ऊपर ब्लड सप्लाई वगैरह सब होती है। अब देखो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेल, सेल की क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी को प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, कभी सुना हो तो, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मसल सेल की, तो मसल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा की बजाय क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। ये तो यहाँ पे वर्ड लिख रखा है, दिस इज नोन एज सार्कोलेमा। और इसके अंदर जैसे कि नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा, ओके। तो मसल सेल के अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म, ओके। मसल फाइबर इज ए सिंसिटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। एक सिंसिटियम है क्योंकि एक एक मसल सेल के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, न्यूक्लियस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि नॉर्मल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास क्या होता है, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस। और इस कैल्शियम आयन को याद रखना, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे आपको कंट्रैक्शन, तब इनका काफ़ी ज़रूरी वहाँ पे एक रोल रहेगा, यही शुरुआत करेंगे। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्मा कॉल द मायोफिलामेंट और मायोफिबल। क्योंकि लंबी लंबी आपकी सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर धागे से पड़े होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स। और ये अब आ गया आपका अगला पार्ट, ठीक है। आपने मसल सेल के नाम पढ़े, अब उसके अंदर आ चुके हैं
ईच मायोफिब्रिल, अब हम बात करें मायोफिब्रिल्स की, हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, जो कि आगे डायग्राम में है। ए डिटेल स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल इज एस्टेब्लिश दैट स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। और ये स्टेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोटीन काम करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। द लाइट बैंड, एक्टिन और मायोसिन के बारे में क्या चीज़ें हैं, एक्टिन जो होता है वो लाइट कलर का बैंड होता है, देखो एक्टिन। और इधर बात करते हैं मायोसिन की, अब एक्टिन का कलर लाइट रहेगा, ठीक है, और इसको आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलेंगे, इसका कलर डार्क रहेगा, इसको एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, एंड कंटेन मायोसिन। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज इन रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एंड आल्सो टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी ये अरेंज होती हैं। एक्टिन फिलामेंट की बात करें, थिनर रहेगा कंपेयर टू मायोसिन, ठीक है, हैंड्स आर कॉमनली कॉल्ड थिन फिलामेंट, तो एक्टिन को क्या बोल देंगे हम, थिन फिलामेंट, और मायोसिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थिक फिलामेंट हो जाएगा। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज लेफ्ट फाइबर, छोटा करके देखते हैं अगर डायग्राम आ गया तो, हाँ ये आ रहा है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एन इलास्टिक फाइबर जेड लाइन विच बाइसेक्ट, आई बोले तो ए, आई बैंड ए से आ जाएगा क्योंकि एक्टिन को बोला था आइसोट्रोपिक बैंड, तो वहाँ से वर्ड आया है आई, तो क्या रहेगा, फाइबर होता है जेड लाइन जिसको बोलते हैं, जो उनको बीच से काट देती है, अगर इस तरीके से है ना तो बीच में क्या मिलेगी, जेड लाइन, ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की। इसके बाद द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड बाय द फाइबर एम लाइन, तो थिक फिलामेंट के अंदर क्या होती है, मायोसिन के अंदर एम लाइन होती है। ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल, द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन, इस सर को मेरे देखो ये देखते हैं, ये है सारा किल आपकी, क्या है यहाँ पे जेड लाइन है, एक अगेन क्या है आपकी जेड लाइन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये एम लाइन है, डार्क के बीच में आ गया ना एम लाइन, देखो डार्क बैंड डार्क कलर दिखाई दे रहा है, लाइट कलर बैंड लाइट कलर दिखाई दे रहा है, तो लाइट बैंड के अंदर जेड लाइन है, डार्क के अंदर आपकी क्या है एम लाइन है। अब ये कहा है कि भाई एक जेड से लेके दूसरे जेड तक का जो ये पीस बनता है इसको बोलते हैं मसल की फंक्शनल यूनिट, दोनों तरफ से मूवमेंट बीच में आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मसल फाइबर और दूर जाएंगे तो एक्सपेंड कर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सार्कोमेयर, जो कि फंक्शनल यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से जो हमने जेड लाइन ए लाइन पढ़े हैं ये नीट लेवल की इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को यहाँ से क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो। इन ए रेस्टिंग स्टेट, अगर बात करते हैं रेस्ट में कोई मसल है, द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग ए सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। अब देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जो आपके क्या है थिन फिलामेंट है और जो थिक फिलामेंट है वो क्या होते हैं बीच में इसको खाली छोड़ देते हैं और कोनों में से क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, इतना यहाँ पे भी लिख रखा है। इसके बाद द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, उसको बोलते हैं एच जोन, और ये जो बीच में रहेगी आपकी ये एच जोन है जिसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इसका क्या रोल रहेगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, आपको दिख रहा होगा ये और ये जो आपके आई बैंड है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगे तो ये आपके सरक के आगे आ जाएंगे, ठीक है, इधर आ जाएंगे, तो ये वाला साइज़ कम होकर इतना रह जाएगा, इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और बाद में क्या होगा ये दूर दूर भाग जाएंगे, उसको बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन। अभी अगले पेज पे हम इनको कवर करते हैं। देखो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, अब आ जाएगा एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर। इस बुक में थोड़ा सा मतलब अभी दिक्कत आ रही है क्योंकि पूरा पेज ओपन नहीं हो रहा एक साथ, फिर भी करते हैं ट्राई जितना हम आपको समझा पाएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने बुक खोल रखी है उसमें थोड़ा अपना फोकस रखना, ईजिली समझ जाओगे। एक्टिन की बात करें, एक्टिन फिलामेंट किससे बने होते हैं, दो एफ फिलामेंट से बने होते हैं जो कि हेलिकली बाउंड होते हैं, ठीक है, हेलिकली बाउंड होते हैं, और ये देखो इस तरीके से एक ग्लोबुलर दो तीन चार, मतलब ये आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और दो चेन है इनकी जो क्या बनाती हैं इसको, हेलिकल बाउंड करती हैं। तो एफ एक्टिन किससे बने हैं, एक्टिन से ग्लोबुलर यूनिट से, जो कि क्या इसके मोनोमेरिक यूनिट हैं, डायग्राम मैं आपको भी दिखा देता हूँ इस तरीके से, जो ग्रीन बॉल्स हैं छोटे छोटे ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोमेरिक यूनिट हैं, जी हैं ग्लोबुलर्स हैं, और जो इनसे जो लाइन बनी है ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं हम एफ, ठीक है, एफ फिलामेंटस एक्टिन। टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, अब जो आपने वो रस्सी देखी थी साथ में लिपटी हुई उसको बोलते ट्रोपोमायोसिन, वो भी इसके साथ साथ चलती है, ठीक है, पूरी की पूरी लेंथ में, और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं ट्रोपोमायोसिन के तीन तीन के जोड़े। इन द रेस्टिंग स्टेट, अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो ट्रोपोनिन जो है ना, ट्रोपोनिन का काम क्या होता है, मास्किंग का,
मास्क करती है बाइंडिंग साइट को, रोक के रखती है कहीं वो जुड़ ना जाए। तो मैं एक डायग्राम से बताता हूँ आपको, ग्लोबुलर यूनिट्स हैं ये गोल गोल जो है हरी हरी, इनसे दो से क्या बनते हैं आपके एफ फिलामेंट बनते हैं, इनके साथ साथ आपके ट्रोपोमायोसिन चले हुए हैं, ये जो रस्सियाँ दिखाई दे रही हैं आपको दो ग्रे से सॉरी डार्क वुडी कलर की, और इनके ऊपर जो फ्रूट से लगे हुए हैं ये फ्रूट नहीं है ये ट्रोपोनिन है, जो क्या करते हैं रेस्टिंग स्टेज में मास्किंग करते हैं, मास्किंग बोले तो कवर करके रखते हैं। अब है मायोसिन के बारे में, मायोसिन की पॉलीमराइज प्रोटीन होते हैं, उनके अंदर भी मोनोमेरिक प्रोटीन है मीरोमायोसिन उसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द थिक फिलामेंट, ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक शॉर्ट आर्म होती है, और मतलब एक हेड, एक हेड होगा थिक सा और एक उसकी टेल होती है, ये दो जुड़े होते हैं आपस में, अब इन्हें से दिखा देंगे आपको, और इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन क्योंकि हैवी है डार्क है, और नीचे वाली टेल को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। द HMM कंपोनेंट द हेड एंड द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवार्ड, और ये ऊपर की तरफ उठी होती हैं, ठीक है, मुंडी उठा के रखती हैं जैसे कि सांप उठा के रखता है कोबरा, उसको बोल क्या बनाती हैं बाद में ये क्रॉस आर्म बनाती है, कहाँ बनाती है वो मैं आपको दिखा दूंगा जब आगे जाएंगे। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATP साइट, और ये जो आपका हेड है ना यहाँ पे एक्टिव ATP साइट होती है, ATPase एंजाइम होता है। अब देखो क्या होता है ATPase वर्ड जहाँ भी लग जाएगा बायोलॉजी के अंदर वो क्या होता है एक एंजाइम होता है, और जैसे हमने पढ़ा था लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, उसी तरीके से ATPase किसको तोड़ेगा ATP को तोड़ेगा, सिंपल है। कब तोड़ेगा जब हम मसल कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी को उठाते हैं पुश करते हैं पुल करते हैं तो मसल काम करती है एनर्जी होती है, और एनर्जी कंसेप्ट की बॉडी में क्या है ATP, तो ATP को तोड़ने के लिए हमें कोई एंजाइम हमें चाहिए होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हेड और ये क्रॉस आर्म है ना जो ये आपका HMM है हैवी मीरोमायोसिन, और ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये आपकी ATPase बाइंडिंग साइट हैं जहाँ पे ATP है, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब आगे देखते हैं कि कैसे मसल कॉन्टैक्ट करती है, कभी बोर्ड पे भी बनाऊंगा मैं लॉकडाउन खुलने के बाद बोर्ड वगैरह अरेंज हुआ तो, अब ये भी अकेडमी पे पढ़ा है। वैसे बच्चों ट्यूशन हल्का फुल्का सा शुरू है, अगर आपका बैच हो तो आ सकते हो चाहो तो, बताना मत किसी को कानों कान पुलिस वाले आ जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ क्या करती है स्लाइड करती है, ठीक है। विच स्टेट दैट कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। देखो जो हमने अभी डायग्राम पीछे देखा था, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो क्या है, ये थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट है बीच में रेड वाला, जब ये थिन वाले इसके ऊपर स्लाइड करेंगे दोनों तरफ से तो क्या होगा ये ब्लैक लाइंस आगे आ जाएंगी, मतलब के स्लाइड करके पास आगे कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसको बोला हमने कॉन्ट्रैक्शन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म से क्या होती है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये नीचे पूरा डायग्राम है, इसको भी हम ऊपर थ्योरेटिकली समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान अभी यहाँ पे रख लेना क्योंकि बार बार इतना असर नहीं होगा जितना एक बार समझ में आने से हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कब होती है, जब CNS है, क्योंकि हमने कहा था मोस्टली काम के वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, और सिग्नल कौन लेके आती है मोटर न्यूरॉन, आप सबको पता होगा आपने जब रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी होगी तो देखा होगा जब आपकी उंगली में कोई गर्म चीज़ लगती है हाथ पर गर्म चीज़ लगती है तो हाथ की मसल तक फोमा मसल तक एक मैसेज आता है, कौन लेके आती है मोटर न्यूरॉन लेके आती है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन मैसेज कन्वे करेगी, ए मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट मोटर यूनिट, और वो अपनी मोटर यूनिट से जुड़ी होती है। द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सर्कुलेमा मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो क्या है, एक आपकी मसल है और ऊपर से आपकी आएगी न्यूरॉन, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि देखो ऊपर तो क्या है न्यूरॉन है, नीचे आपके क्या है मसल है, तो दो के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंड प्लेट, ये जो एंड प्लेट है एंड प्लेट से आपका केमिकल निकलता है मैसेंजर, इसको क्या बोलते हैं एसिटाइलकोलाइन। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, तो कौन रहेगा आपका एसिटाइलकोलाइन, कई होते हैं लेकिन यहाँ पे आपके बॉडी में ज़्यादा काम यही करता है। विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, वो क्या करेगा, जो देखो सार्कोलेमा क्या थी आपकी मसल की लेयर जो थी आउटर मेम्ब्रेन जो थी, ठीक है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस एक पूरी सेल पे क्या आ जाएगा एक मैसेज आ जाएगा एंड प्लेट से और ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था रेटिकुलम, ठीक है, अब जो रेटिकुलम था वहाँ से क्या निकलेंगे कैल्शियम आयन निकलेंगे,
किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इंक्रीज द सी ए लेवल, अगर वहाँ पे सी ए टू पॉजिटिव लेवल बढ़ेगा तो जो बाइंडिंग है कैल्शियम की ट्रोपोनिन के साथ एक्टिन की, वो रिमूव हो जाएगी मास्किंग। तो देखो सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, सिग्नल आया आपकी सेल तक, सार्कोलेमा के ऊपर मैसेज गया, उसके अंदर रिलीज हुआ कैल्शियम, कैल्शियम ने क्या किया साइटोप्लाज्म को चेंज कर दिया, दैट मीन्स सार्कोप्लाज्म को चेंज कर दिया। अब सार्कोप्लाज्म में क्या हो गया, जो एक्टिन था, एक्टिन जो आपका फाइबर था, जो कि सब हमने क्या कहा था एक्टिन मायोसिन सेल के अंदर पड़े होते हैं, तो वो जब सी ए का लेवल बढ़ जाएगा तो जो हमने पढ़ी थी कि मास्किंग होती है ट्रोपोनिन के ऊपर, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, मास्किंग हो जाएगी, हट जाएगी। यूटिलाइजिंग द एनर्जी, अब जो मायोसिन था वो एटीपी को तोड़ के क्या करता है, मायोसिन अपने मुंडी को उठा लेता है भाई, इसको उठा लेगा एनर्जी की हेल्प से, और क्या बनेगा इनके बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, जब तक यहाँ पे एटीपी कंप्लीट टूट नहीं जाती, ठीक है। अगर लगातार एटीपी टूटती रहेगी तो मसल एक लंबे टाइम तक किस में रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं डाओगे तो बॉडी को खुद से क्या करना पड़ेगा, फटीग क्रिएट करके आपको हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो पुल है सेंटर ए बैंड का, तो देखो यहाँ पे तो हमने पढ़ा था ना कि बीच में तो आपके थिक फिलामेंट थे, ऊपर आपके थिन फिलामेंट थे, थिन एंड थिक, थिन एंड थिक। तो अब क्या हो रहा है, ये सरक के आगे आ रहे हैं, आपके आई बैंड पास आ जाएंगे, आप किसी डायग्राम में जाकर देख सकते हो अपनी बुक में, और मसल कंट्रैक्ट हो जाएगी, जेड लाइन पुल करेंगी इनवर्ड, देयर बाय कॉजिंग ए शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, कंट्रैक्शन उसको बोलते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबोव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कंट्रैक्शन दैट इज आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड छोटा हो जाता है और ए बैंड है वो अपनी शेप को रिटेन करता है। द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी, अब मायोसिन जो है क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एडीपी, एटीपी को तोड़ेगा। देखो एटीपी कैसे टूटती है, एटीपी एडीपी में टूट जाएगी, और जो फॉस्फेट पाई फॉस्फेट रिमूव हुआ है वहाँ से निकलती है आपकी एनर्जी, एनर्जी भी निकलती है, और क्या होगा एडीपी एंड पी फॉस्फेट गो बैक टू रिलैक्स स्टेट, वो कहाँ चले जाएंगे अपने नॉर्मल स्टेट पे, ए न्यू एटीपी बाइंड अप, एक नई एटीपी जुड़ेगी, वो फिर से टूटेगी, ठीक है। एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, वो टूट जाएगा, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज द मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फिर नई एटीपी टूटेगी, दोबारा से नया बॉन्ड बनता है। ये आपका सारा यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे वो क्या कर गई, यहाँ पे लास्ट वाले डायग्राम में कॉन्ट्रैक्शन है, ये ओवरलैप कर गई ना, ये यहाँ पे ओवरलैप कर गए लाइट बंडल्स, छोटी हो गई, मतलब इतनी बड़ी थी ये, छोटी हो गई मसल, ठीक है। नीचे बिल्कुल लास्ट 5 मिनट हो रहे हैं, वो तो ब्रेकिंग हो जाएगी, क्या कह रहे हैं कि भाई क्रॉस ब्रिज बन रहा है और ब्रेक हो रहा है, ठीक है। रिपीटेड मैशन में चलता रहेगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल, अब वो कब तक बॉन्ड बनते टूटते रहेंगे, जब तक कि क्या हमारे पास एडवांटेज एक्स्ट्रा पड़ा है कैल्शियम टू पॉजिटिव, क्योंकि सारा काम किसने शुरू किया था, कैल्शियम ने शुरू किया था काम सारा, कहाँ पे था सार्कोप्लाज्मिक के अंदर, सिस्टर्न में वो चला जाएगा, मास्किंग जो होगी वो दोबारा से आ जाएगी, क्या करेगी रिजल्ट करेगी जेड लाइन अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी, और मसल क्या हो जाएगी रिलैक्स। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो हम बताते हैं अगर एक मसल से ज़्यादा काम कराओगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फटीग हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, हाथ दुखने लग जाएंगे, उसको बोलते हैं फटीग या क्रैम्प्स। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, सबको पता है कि मसल के अंदर क्या होता है मायोग्लोबिन, ठीक है, ये मसल की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहे। मायोग्लोबिन कंटेन हाई इन सम ऑफ द मसल, उसके अंदर क्या होता है ज़्यादा होता है, उन अब जिनके अंदर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात, जिसके अंदर ज़्यादा लाल रंग होगा वो ज़्यादा लाल दिखाई देगी, तो रेड अपीयरेंस, सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर, और जिन और ये क्या करती है काफ़ी भारी भरकम काम करती है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ज़्यादा इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करती हैं, दीज मसल्स देयरफॉर कॉल्ड एरोबिक मसल, और रेड मसल को क्या बोलते हैं एरोबिक मसल। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी जिनके पास लाल रंग कम होगा उनको हम वाइट फाइबर बोल लेंगे, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, वो काम भी हल्का फुल्का करेंगी, ठीक है, ओके, उनको बोलते हैं एनरोबिक मसल्स। तो ये था, एक बार मैं आपको उसका क्विक रिव्यू देता हूँ डायग्राम की हेल्प से ही, 1-to-1 देखते हैं, देखो ये रहा, अरे कहाँ भाग गया, ये रहा जेड लाइन आपकी दो थिन फिलामेंट ए के बीच में, और इनके बीच में आपकी एच जोन, या इधर थी क्या आपकी एम लाइन। अब हुआ क्या था, आपका आया सिग्नल कहाँ, सार्को लेमा पे, सार्कोलेमा से गया वो सार्को प्लाज्मा में, वहाँ पे बढ़ गया आपका कैल्शियम टू पॉजिटिव का लेवल, जो ट्रोपोनिन की मास्किंग थी वो हट गई, मायोसिन के साथ जुड़ गई, मायोसिन ने क्या किया एटीपीएज एंजाइम की हेल्प से एटीपी को तोड़ा, एडीपी प्लस पाई फॉस्फेट में एनर्जी मिली, क्रॉस ब्रिज बना, फिर वो टूटा, फिर नई एटीपी टूटी, फिर बना। तो जब आप ये
ब्रिज बनाते हो तो ये जो आई बैंड है वो सड़क के यहाँ आगे आ जाते हैं दोनों तरफ से, और ये जो साइज है इसको बोलते हैं सार्कोमेर, इसका साइज छोटा से गुड़ जाता है ये, ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो टूटता है तो दूर चला जाता है, लेकिन अगर लगातार आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते रहोगे तो आपकी बॉडी के अंदर बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। और फिर बताया कि भाई मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन नाम का रेड कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है उनको रेडिश अपीयरेंस देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बोलते हैं रेड मसल सेल या फिर एरोबिक सेल, और जो क्या करती हैं लगातार हैवी वर्क कर सकती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं नीट लेवल के कि भाई मायोसिन ज़्यादा मायोग्लोबिन किस में ज़्यादा होता है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में होते हैं, ज़्यादा काम कौन करती है, ज़्यादा ओटू कौन लेती है, तो सारे सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, इनको ढंग से याद करना, पढ़ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।